The internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so namaskar adab sat -Sri kal dosto hum hai dr Paramjeet. aap dekh rahe hai, doctor education aap jante hain aapko yaha par bilkul hi authentic verified information milti hai explain karte hain hum बिल्कुल सिंपल और संजीदा लैंग्वेज में तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे टेस्ट की जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने या तो सुन रखा है या आज नहीं तो कल सुनेंगे ये है एनजियोग्राफी जी हां एनजियोग्राफी कोई बहुत ही ज़्यादा डरावना या खूनखार टेस्ट नहीं है कोई चीरफाड़ नहीं होती है कोई टांके नहीं लगते इसमें एंजियोग्राफी एक सिंपल सा टेस्ट है ये कोई ऑपरेशन नहीं है एक प्रोसीजर है एंजियोग्राफी का मतलब है कि खून की नसों को देखना बस एंजियोग्राफी इतना सही इतना सही चीज़ अचीव करना है कि खून की नसों को चेक करना कि उसमें खून सही तरीके से जा रहा है या नहीं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लॉकेज तो नहीं है है तो कितना है यही चीज जब दिल में की जाती है तो इसको कहा जाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, राइट इसमें एक स्पेशल तरीके की कलरिंग एजेंट यानी डाय जिसको हम कंट्रास्ट मटेरियल कहते हैं वो इस्तेमाल होता है जो कि आपके नसों में डाला जाता है और एंजियोग्राफी यानी उस खून की नस को चेक किया जा सकता है यही चीज दोनों तरीके की खून की नसों में की जा सकती है Arteria, जो खून ले जाने वाली नसें हैं आर्टरीज को तो आर्टीरियोग्राम हो जाता है और खून वापस लेके आने वाली वेन्स को तो वीनोग्राम हो जाता है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी एंजियो मतलब आर्टीरियोग्राम की बात कर रहे हैं यानी आर्टरीज की बात कर रहे हैं जो दिल को खून सप्लाई करती है दिल क्योंकि रुक नहीं सकता इसलिए दिल को अगर खून सप्लाई किसी कारणवश कम हो गया रुक गया, तो दिल में प्रॉब्लम आ करने का उद्देश्य है, नहीं है पता करना सो so, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके हार्ट के अंदर कार्डियथराइजेशन किया जाता है ना वॉट इज दैट कार्डियन का मतलब है कि ये डाई सिर्फ यहां डालने की जगह इधर इंजेक्शन से डाल दो इधर डाल दो की जगह ये सीधा एक पाइप ले जाया जाता है कैथेटर बोलते हैं पाइप को वो कैथेटर ले जाया जाता है या तो आपके हाथ की नस से या पैर की नस से जो सीधा दिल के बिल्कुल पास आ जाता है तो दिल के एकदम पास जाके बल्कि दिल के उस खून की नस जो दिल को सप्लाई करती है सिर्फ उसी के अंदर जाके वहीं पर डाई डाली जाती है वहीं पर ताकि एक नंबर एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट बहुत कम लगे नंबर दो वहां तक जब हम अपना एक्सेस बना लेते हैं रास्ता बना लेते हैं तो उस एक्सेस के थ्रू जरूरत पड़ने पर हम आगे भी प्रोसीजर कर सकते हैं सो एंजियोग्राफी में ये कैथेटराइजेशन सबसे पहला प्रोसेस है जो कॉमन है एंजियोग्राफी में भी एंजियोप्लास्टी में भी सो so, कैथेटराइजेशन किया जाता है और कार्डियक कैथेटराइजेशन में भी कोई चीरा नहीं लगता कोई खोला नहीं जाता छाती आपके सिर्फ पैर से या हाथ से एक सुई लगती है उस सुई के थ्रू कैथेटर यानी एक पतली सी ट्यूब डाली जाती है बहुत अब इसमें क्या है कई लोगों को डर लग जाता है इसलिए कई बार उसे माइल्ड सा सिडेशन दे सकते हैं बेहोश नहीं किया जाता है सुलाया नहीं जाता रिलैक्स किया जा सकता है किसी प्रकार का एनेस्थीशिया की जरूरत नहीं पड़ती है लोकल एनेस्थीशिया लोकल नमिंग क्रीम या नमिंग इंजेक्शन लगाया जाता है और कुछ नहीं और ये एक हालो ट्यूब डाली जाती है ये ट्यूब को फिर एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी कंटिन्यूस एक्सरे को वीडियो को हम फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं उसके थ्रू तो हम देखते हैं वो कहाँ जा रही है और उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको स्टडी की जा सकती है एक बार कैथेटर अंदर चला गया उसके तो फिर डाय डाल के एक्सरे में देखा जाता है डाय कितनी स्पीड से जारी है कहां कहां जा रही है कहां नहीं जा पा रही है और कहां ब्लॉकेज है ब्लॉकेज ऑब्वियसली जब नस में बंद होती है तो ब्लॉकेज दिख जाएगा कि यहां तो दबाव है वहां दबाव नहीं है सिंपल सा प्रोसीजर है एंजियोग्राफी का एंजियोग्राफी से पहले जरूर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ऑब्वियसली आपके जनरल चेकअप होते हैं आपका किडनी फंक्शन चेक जरूर होता है किडनी फंक्शन अगर नॉर्मल नहीं है तो क्योंकि डाय कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है यह कॉन्ट्रास्ट एजेंट आपके किडनी को इफेक्ट कर सकता है इसीलिए एक लेवल ऑफ क्रियाटीन यूरिया और क्रियाटीन अगर एबनॉर्मल है तो सोच समझ के किया जाता है एंजियोग्राफी अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो ही किया जाता है वरना नहीं तो ये बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपका किडनी फंक्शन कैसा है यूरिया क्रियाटीन कैसा है बिफोर द टेस्ट अगर कोई पेशेंट किडनी खराब है किसी की डायलिसिस पे है तब भी किया जा सकता है क्यों क्योंकि तो एंजियोग्राफी करने के बाद डायलिसिस कर लेंगे डाई निकाल देंगे है नहीं सो यस सो ऐसा जरूर है सो so, ये चीज जरूरी है इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की कोई दवा ले रहे हो आप अगर आप प्रेग्नेंट हो या अगर आप किसी प्रकार का कोई वाइग्रा फिल इरेक्शन प्रॉब्लम की दवा ले रहे हो तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस के पहले डॉक्टर को बताना है इसमें किसी प्रकार का कोई स्पेशल दर्द नहीं होता है सिर्फ सुई लगाने तक का दर्द होता है उतना ही दर्द होगा और कोई इसके अंदर जाने वाली जो नस पैर से या हाथ से जब नस में आपके खून की नस में तार डाली जाती है उसको फील नहीं होता आपको कि हाँ आपको अंदर तक दर्द होगा कुछ दर्द नहीं होने वाला ठीक है सिर्फ सेंसेशन स्किन में होती है तो स्किन पियर्स करने वाली स्किन की नीडल को एक दर्द होगा आपको और नहीं तो ये क्यों किया जाता है एक एनजियोग्राफी की जरूरत हर इंसान को नहीं होती सिर्फ उन लोगों को होती है जिनको छाती में दर्द है एंजाइना है या तो पहली बार हुआ या होता रहता है या फिर एंजाइना बढ़ रहा है जिसको होता रहता है उसका एंजाइना बढ़ रहा है ठीक नहीं हो रहा जा नहीं रहा या फिर जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं दर्द बढ़ता जा रहा है ऐसे पेशेंट्स को जिनको एयर्टिक स्टेनोसिस है हार्ट की वैल्व में स्टेनोसिस है या कोई भी वैल्व प्रॉब्लम है उनका भी कैथेटराइजेशन करके एंजियोग्राफी किया जा सकता है और ये कैथेटराइजेशंस से वहां पर ये भी देखा जा सकता है कि इसके साथ दो प्रोसीजर तो नहीं करना एक तो वैल्व अगर रिपेयर करना ओपन करके तो साथ में एंजियोग्राफी में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो भी ठीक कर सकते हैं इसीलिए किया जाता है और ए टिपिकल चेस्ट पेन अगर है किसी को चेस्ट में पेन है छाती में दर्द है तो उस पर्टिकुलर छाती में दर्द वाले लोगों को भी यह टेस्ट किया जाता है और वेल्व वाले केसेस में इलेवन वैल्व के अंदर प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं यही वाली जो कैथेटर है यह दिल के अंदर डाली जा सकती है और वेल्व जो है और उसको कभी कभी वैल्व रिपेयर किया जा सकता है वेल्व बलून किया जा सकता है वैल्व को बलून के थ्रू या दूसरे प्रोसेस में रिपेयर टावी करके प्रोसेस भी आता है जिसमें इवन रिपेयर पॉसिबल है उसके बाद कभी एबनॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट टीएमटी इको कार्डियोग्राफी ईसीजी इनमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है तब भी आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राफी के लिए बोला जाता है ताकि हम ये ये सारे इंडिकेशन हैं अगर आपका ईसीजी में गड़बड़ है इको में गड़बड़ है स्ट्रेस टेस्ट स्ट्रेस टेस्ट टीएमटी स्ट्रेस इको स्ट्रेस किसी भी में गड़बड़ है तो ये इंडिकेशन है कि हो सकता है आपके नसों में ब्लॉकेज हो हो सकता है आपको आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों अटैक आ जाए सो वाई डू यू फेट फॉर क्यों क्यों इंतजार करना है कि अटैक आ जाए कोई मेजर प्रॉब्लम हो जान पर बनाए इससे पहले एंजियोग्राफी करा लो एंजियफी कोई खतरे वाली चीज नहीं है मात्र पांच से पांच से दस मिनट लगते हैं उसमें मात्र पांच से दस मिनट लगते हैं खत्म तो क्यों ना करें अगर मान लीजिए आपका हार्ट वीक है कमजोर हो गया है, हार्ट पता चला कि वीक है तो एंजियोग्राफी करके देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्ट के अंदर जो खून की नसें हैं, वो बंद है उस वजह से वीक है हो सकता है खून की नसें खोल दें, तो वीकनेस ठीक हो जाए जी बिल्कुल सो एंजियोग्राफी कई कारणों से की जा सकती है और अगर आपको उस समय हार्ट अटैक हो रहा है तब तो करना ही करना है या फिर अगर मान लो किसी प्रकार का को कोई मेजर ऑपरेशन होने वाला है आपका जिसमें आपको हार्ट का मेजर रिस्क और हार्ट की कोई बीमारी हो है चुकी है तो भी फिर से एंजियोग्राफी करके देखी जा सकती है याद रखिए एक नॉर्मल एंजियोग्राफी में आपके खून की नसों में हार्ट को जाने वाली खून की नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं होता जीरो अंडा गुड़गुड़ -गुड़ पानी मात्र थोड़े बहुत ब्लॉकेज दस बीस परसेंट ब्लॉकेज बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं इसको माइनर सीएडी बोलते हैं माइनर कोर्नर आर्टरी डिजीज उसके लिए सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ब्लड थिनर्स एक जनरल मेडिकेशन और अच्छी लाइफ काफी होती है और रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी होता है अगर आपकी ब्लॉकेज है अगर आपकी खून की नसों में ज्यादा ब्लॉकेज है तो इट डिपेंड्स कि उसको ट्रीट कैसे करना है अगर ब्लॉकेज 50, 60, 70 परसेंट तक है तो दवाइयां ही चलेंगी और कुछ नहीं होता अगर 70, 80, 90 परसेंट है 70 परसेंट से ऊपर है 80 परसेंट है 90 परसेंट है तो फिर उसको वो भी देखा जाता है कहां पर ब्लॉकेज है अगर मेन नसों में है मेन ब्रांचेस में है तो उसको खोलना जरूरी है अगर कोई माइनर छोटी सी ब्रांच है एक सा एरिया है हार्ट का जिसको फर्क नहीं पड़ता तो उसको भी छोड़ दिया जाता है दवाइयों के भरोसे सिवियरिटी एंड द लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज डिसाइड्स द ट्रीटमेंट एंड इसीलिए एंड स्टंट लगेगा नहीं लगेगा इसका इसकी डिसीजन आपका एंजियोग्राफी के बाद लिया जाता है लेकिन जब अटैक हो रहा होता है हार्ट अटैक तभी होता है जब कोई मेजर नस बंद होती है मेजर नस बंद तो ज़्यादा चांसेस है अटैक के टाइम पे आपको छला लगेगा तो इसमें रिस्क होता है क्या एंजियोग्राफी रिस्क फ्री नहीं होता है ऑब्वियसली सुई लग रही है आपके हार्ट के अंदर तार जाने वाली है तो हार्ट को तार लगेगी या वहां पर चलेगी तो कभी कभी रिदम प्रॉब्लम आ सकते हैं ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और कार्डिय टेम्पोनार्ड भी हो सकता है टेम्पोनार्ड मतलब हार्ट के आसपास पानी भर सकता है तो यस येस आर सम रिस्क लेकिन ये रिस्क ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके हार्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीमार है तो नॉर्मल केसेस में रिस्क के चांसेस बहुत कम के बराबर होते हैं लेस देन टू फाइव परसेंट राइट इन जनरल जो मेजर रिस्क होता है ब्लीडिंग का इन्फेक्शन का होता है कि कैथेटर हाँ, से ब्लीडिंग ना हो जाए तो इसलिए ऑपरेशन के बाद या प्रोसीजर के बाद आपको कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है हाथ से करी हुई एंजियोग्राफी में तो तीन घंटे में छुट्टी कर सकते हैं तीन से छह घंटे में पैर से की हुई एंजियोग्राफी में आपको छे घंटे ऑब्जर्वेशन छे घंटे पैर नहीं हिलाना पड़ता है आफ्टर दैट और उसके बाद एक दिन ऑब्जर्वेशन में रख लेना बेहतर होता है कहीं पैरों में सूजन ना गई मोटी सुई लगती है तो कभी कभी खून बहने का रिस्क हो सकता है सो दैट इज द थिंग उसके अलावा किडनी फंक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे चल के चेक करनी होगी यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके बाद ये देखना जरूरी होता है तो नहीं हो रहे, में या कहीं पर वो जरूर देखना होता है, है, जो आपका वही पर वही खोल सकते है। आपके अटैक होने से बचा सकता है इतनी बड़ी बीमारी होने से बचा सकता है ये बिल्कुल उसी जैसे जैसे अगर मान लीजिए आपके घरों में कहीं पे बम फूटने वाला है और बम पकड़ ले तो भाई साहब वो टेस्ट तो ज़्यादा बेहतर है ना अब बोले कि नहीं मेरे घर पर जरा सा भी मेरे को चिक चिक नहीं चाहिए मुझे नीचे कोई बम पकड़ने वाले कोई भी आए तो ऐसा तो नहीं होता ना थोड़ी सी दिक्कत तो उठानी पड़ती है इंसान को सेम वे थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा कोरोनरी एनजियोग्राफी इज अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट विच एवरीबडी शुड नो अबाउट एटलीस्ट करे ना करे ज़रूरत तो पड़ती है आज नहीं तो पल आपको या आपके किसी चाहने वाले को इसलिए यू शुड नो अबाउट इट सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो सो दैट यूट्यूब एंड अदर पीपल कैन You know, shh, recommend it to others. So if you have any questions, please do ask. I'm here to answer. Thank you so much.